शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, आत्मा और परम आत्मा की रहने का स्थान, आत्मा और परम आत्मा के रहने का स्थान कौन सा है? निराकारी दुनिया, निराकारी दुनिया, आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। अब ये तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया में रहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उनका स्थूल सृष्टि माफिक आकार नहीं। स्थूल सृष्टि माफिक आकार नहीं, जैसे परमात्मा निराकार है लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है, तो हम आत्मा और परम आत्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहां रहता है, तब तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, वो हुआ परम आत्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परम आत्मा नहीं कह सकते, तो हम परमात्मा के घर को परम आत्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, और ये है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहां आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी दुनिया, दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्या कहते हैं? क्योंकि ये जो मनुष्य कहते हैं, स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है, इस पर परम आत्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है, वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परम आत्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहां कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहां देवताओं का निवास स्थान था तो वहां सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था वहां विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था।
उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से समझने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। यदि कोई प्रश्न है और स्पष्टीकरण चाहिए तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।